Hello everyone and welcome to the CAD designer. In this video I am going to explain methods to remove the sink mark. Sink mark removal ke teen methods hai: material addition, material removal aur sink mark trap. Sink mark is a small depression on a surface aur aesthetically jo customer hai usko accept nahi hota hai. जब भी हम बी साइड में कोई रिप्स और फीचर ऐड करते हैं तो वहाँ पे मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से सिंक मार्क पार्ट पे आता है और उसको रिमूव करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो उसके लिए ये तीन मेथड्स है जिसमें थिकनेस एडिशन और रिमूवल किया जाता है. तो ये जो थिकनेस एडिशन और रिमूवल होता है ये जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं लाइक पॉलीप्रोपिलीन, ABS, PC, इनके जो श्रिंकेज फैक्टर है इसके ऊपर डिपेंड्स होता है. जनरली हम 40% जो भी हमारा थिकनेस है उसके हिसाब से मटेरियल एडिशन और रिमूवल करते हैं, बट डिफरेंट मटेरियल के श्रिंकेज फैक्टर के हिसाब से हमको वहाँ पे मटेरियल एडिशन और रिमूवल करना होता है. जैसे कभी 60%, कभी 30%, कभी कभी ये सब करने के बाद भी नहीं रिमूव होता है. तो उसके लिए हम टूलिंग वाले सम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और कूलिंग फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होता है. जो भी तीन मेथड्स है ये अलग अलग फीचर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे मटेरियल एडिशन और रिमूवल, वेल्डिंग बॉस, क्रू बॉस, लोकेटर्स और इस टाइप के जितने भी सिमिलर फीचर है उनके लिए हम यूज़ करते हैं. और सिंक मार्क ट्रैप, स्नैप, क्लिप टावर, डॉग हाउस और इस टाइप के जो भी सिमिलर फीचर्स होते हैं इनके लिए हम यूज़ करते हैं. All these three methods we have explained with proper example in a CAD, how material addition and how material removal is done with proper selecting the shrinkage factor. So for detailed understanding you can join us our course. Link is mentioned in the description. Thank you.